अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स बिल्कुल खैरियत से होंगे। अभी तक हमने नाउन पढ़ा था। मैंने आप लोगों को नाउन की टाइप्स सारी करवा दी हैं, जिसमें हमने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, फिर कॉमन नाउन की टाइप्स हमने पढ़ी, जिसमें मटेरियल नाउन से हमने स्टार्ट किया। फिर उसके बाद मटेरियल नाउन के बाद कंक्रीट नाउन हमने पढ़ा, फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा, फिर कलेक्टिव नाउन पढ़ा, फिर काउंटेबल, अनकाउंटेबल एंड देन अपोजिटिव नाउन हमारी लास्ट हेडिंग थी। आज हम एक नया पार्ट ऑफ स्पीच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है प्रो नाउन। ठीक है, पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन जो होता है, इसका मैं आपको बेसिक बताता हूं कि बेसिक इसका किसको कहते हैं। बेटा, प्रोनाउन दरअसल दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। पहला वर्ड है प्रो और दूसरा वर्ड है नाउन, प्रोनाउन। इन दो वर्ड को अगर हम मिला दें आपस में तो हमारे पास लफ्ज प्रोनाउन आ जाता है। अब ये जो लफ्ज है प्रो, इस लफ्ज का मतलब होता है लाइक, यानी उस जैसा, यानी लाइक नाउन, यानी जो नाउन जैसा हो। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोनाउन का मतलब है जो कि नाउन के जैसा होगा। अब इसका क्या मतलब है कि नाउन के जैसा होगा? मतलब ये कि जो भी प्रोनाउन हम पढ़ेंगे वो नाउन को रिप्लेस करने की एबिलिटी रखते होंगे। अब वो कैसे? क्योंकि उनके अंदर वो तमाम खसूसियात है जो नाउन के अंदर हैं, तभी तो वो नाउन जैसे हैं जो उसके नाम से जाहिर हो रहा है, प्रोनाउन। तो आप समझ गए होंगे कि प्रोनाउन को प्रोनाउन क्यों कहते हैं, क्योंकि वो नाउन जैसे हैं। नंबर वन, अगर मैं इसकी अब डेफिनेशन लिखूं तो आप फौरन डेफिनेशन भी समझ जाएंगे कि इसकी ये डेफिनेशन क्यों है। फॉर एग्जाम्पल, ये इसकी डेफिनेशन है। अ पार्ट ऑफ स्पीच विच में रिप्लेस अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक, अब जो प्रोनाउन है ना, इसकी टाइप्स मैं आपको बताता हूं। इसकी जो सबसे बड़ी टाइप है उसको कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। अब ये जो पर्सनल प्रोनाउन है, ये इसकी पहली टाइप है। अब इसके अंदर जो वर्ड पर्सनल लिखा हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पर्सन वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, जिस तरह मैंने आपको ऊपर समझाया है ना कि प्रोनाउन को प्रोनाउन क्यों कहते हैं, उसकी रीजन क्या है,
बिल्कुल ऐसे ही हमें यह भी देखना होगा कि पर्सनल प्रोनाउन को पर्सनल प्रोनाउन क्यों कहते हैं, फिर हम इसको समझने के काबिल हो जाएंगे। जैसा मैं आपके सामने पर्सन को बोल्ड कर चुका हूं, ये देखो हमें ढूंढना होगा कि इंग्लिश में पर्सन किसको कहते हैं। आपको याद आ जाएगा यार, इंग्लिश में पर्सन का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वो वाले पर्सन है ये। तो यहां सबसे पहले मैं लिखता हूं फर्स्ट पर्सन। अब हम पता क्या करने लगे हैं, अब हम पर्सनल प्रोनाउन ढूंढने लगे हैं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, और ये हम तलाश करने लगे हैं, टेक्निकली तलाश करने लगे हैं, एक तरह से हम डिराइव करेंगे अब ये पर्सन से। अब ये फर्स्ट पर्सन आ गया है। अब ये फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आए, फर्स्ट पर्सन होता है आए। जब भी कोई दो बंदे गुफ्तगू कर रहे हो तो उसमें जो फर्स्ट पर्सन का रोल होता है, वो आई का रोल होता है, उसको हम एक्टिव जो है वो एक रोल देते हैं। तो अब आई चूंकि फर्स्ट पर्सन है आप भी ये जानते हैं, लेकिन आई तो सिंगुलर है, तो आई का प्लूरल क्या होगा? आई का प्लूरल वी, समझ रहे? आय का जो प्लूरल है वो वी है। अच्छा, अब आय का प्लूरल तो वी हो गया, लेकिन मुझे ये बताएं कि आय का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? आय तो सब्जेक्टिव केस है, आय का ऑब्जेक्टिव केस है मी, और वी का क्या है? अस। ये इनके दोनों के ऑब्जेक्टिव केसेस हैं, आय और वी के, फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं ना। अच्छा, अब एक और चीज मुझे बताएं आप कि आय का पोजेसिव केस क्या है? पोजेसिव केस आय का होगा माय, ठीक, और एक और होगा पोजेसिव एब्सोल्यूट माइन, ठीक। इसी तरह आवर का, अस का या वी का क्या होगा? आवर होगा, और एब्सोल्यूट क्या होगा? आवर्स होगा। तो आप ये देखें कि ये जो मैंने लिखे हैं 2 2 4 8, ये 8 के 8 हमने कहां से निकाले? ये हमने निकाले फर्स्ट पर्सन से। और फर्स्ट पर्सन कहां से आया? पर्सनल प्रोनाउन से आया। दरअसल हम डेराइव कर रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन्स। तो ये फर्स्ट पर्सन के सारे डेराइव्ड आ गए। तो सेकंड पर्सन क्या होता है, यहां हम लिख लेते हैं सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन बेटा होता है यू। यू सिंगुलर के लिए भी यूज होता है, प्लूरल के लिए भी होता है। इसका जो पोजेसिव होता है वो होता है योर या फिर योर्स, बस तीन है ये सेकंड पर्सन्स। फिर आ जाता है थर्ड पर्सन। जो थर्ड पर्सन है वो क्या होता है? थर्ड पर्सन जैसे हमने लिखा आए और ये सारा, सेकंड पर्सन भी हो गया, तो थर्ड पर्सन जो होता है वो होता है मेरा बेटा यू, ही। अब ही जो है ये तो सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या होगा? दे। और ही का, ही तो मैस्कुलाइन है, इसका फेमिनाइन क्या होगा? शी। और इन दोनों का प्लूरल जो है वो दे, सही। अच्छा, ही का पोजेसिव क्या होगा?
his, she का क्या होगा her या फिर hers, और अगर इधर आए तो his का him, फिर आप देखें her hers, फिर they का theirs, फिर them, आप नोटिस करते जाएं ये सारे हमने कहां से निकाले हैं, ये हमने निकाले हैं थर्ड पर्सन से, तो आप समझ गए होंगे बेटा ये सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउंस, इसको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। उसके बाद एक होता है इम्पर्सनल प्रोनाउन, इम्पर्सनल प्रोनाउन, इम्पर्सनल प्रोनाउन होता है इट। वैसे कुछ लोग इट को पर्सनल प्रोनाउन मानते हैं, अगर पेपर में आपको इट आ जाए अंडरलाइन हो और ऑप्शंस में इम्पर्सनल प्रोनाउन की बजाय पर्सनल प्रोनाउन का ऑप्शन हो तो आप पर्सनल प्रोनाउन ही को चूज करेंगे, लेकिन अगर इम्पर्सनल हो तो फिर आपने इम्पर्सनल को वेटेज देनी होगी। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड द कोर टॉपिक। इसके अलावा कोई भी पर्सनल प्रोनाउन शायद कोई रह गया हो तो रह गया हो, वरना मैंने कोशिश अपनी पूरी की है कि जितने भी पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो सारे मैं यहाँ लिख दूँ, यानी ये यहाँ से स्टार्ट किया मैंने फर्स्ट पर्सन को ये वाले, तो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट नॉट टू मिस एनी पर्सनल प्रोनाउन, तो शायद शायद कोई एक अदर रह भी गया हो तो, लेकिन वो भी अगर कोई रह भी गया होगा तो वो भी इसी तीन में से किसी ना किसी में आएगा, फर्स्ट पर्सन में, सेकंड में या फिर थर्ड में। तो ये पर्सनल प्रोनाउन की स्टोरी खत्म हो गई है जी, अब हम आगे चलेंगे। अच्छा, चूंकि हम प्रोनाउंस की टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं तो मैं आपको वो टाइप्स ज्यादा ध्यान तवज्जो और डिटेल से पढ़ाऊंगा जो पेपर में ज्यादा आती हैं। हमारा जो लेक्चर होगा ना वो शुरू से ही एग्जाम ओरिएंटेड होगा, हम वो बातें ज्यादा करेंगे जो एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक। तो अब नेक्स्ट जो टाइप, बड़ी मशहूर टाइप जो पेपर में आती रहती है बेटा, वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इंतहाई मशहूर टाइप। ये मैं आपको बड़े कॉन्सेप्चुअली समझाऊंगा और आपको समझना होगा ध्यान से, ये बड़ी कंफ्यूज्ड है, स्टूडेंट को समझ नहीं आती इसके बारे में। देखो, जो सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है वो आमतौर पर परफॉर्मर होता है, उसने कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करना होता है, ठीक। अच्छा, जहां काम होता है वो वर्ब होता है, जैसे रीड है, हम इसको तसव्वुर कर लेते हैं, बुक्स लिख लेते हैं, यहाँ पे बुक्स पर काम मैं करता हूं तो बुक्स मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक। ये वैसे मैं आपको समझाने के लिए यहां लिख रहा हूं, आए मैं कौन हूं, मैं सब्जेक्ट हूं, मैं यहां लिख भी देता हूं सब्जेक्ट, मैं सब्जेक्ट हूं। रीड जो है वो वर्ब है क्योंकि इसके अंदर काम हो रहा है, बुक्स जो हैं वो ऑब्जेक्ट है क्योंकि इसके उसके ऊपर काम हो रहा है। अच्छा, यानी एक चीज
जो हमने सीखी वो ये कि सब्जेक्ट किसी ना किसी चीज पर काम करता है और जिस चीज पर वो काम करता है वो ऑब्जेक्ट होती है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि सब्जेक्ट किसी दूसरी चीज पर काम करने की बजाय खुद अपने ऊपर काम करता है, खुद अपने ऊपर। जैसे इसकी बजाय मैं एक और एग्जांपल देता हूं, आई हेट माई सेल्फ। अब देखो इधर भी तो आए डूअर है, एक्शन परफॉर्म कर रहा है, यहां उसका एक्शन हो रहा है, लेकिन वो एक्शन किसी और चीज की बजाय खुद आए के अपने ऊपर परफॉर्म हो रहा है, वो अपने ऊपर खुद को मार रहा है। तो चूंकि उसने खुद को मारा है इसलिए ये जो ऑब्जेक्ट होगा हम कहेंगे जनाब ये तो रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव कौन सी चीज होती है? जो खुद की तरफ वापस लौट कर आए, आपका अपना एक्शन आप ही की तरफ लौट कर आया। तो ऐसे प्रोनाउंस को हम नाम देते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का। सही है, ये ऊपर वाली जो लाइन है ना ये वैसे ही मैंने लिखी है आपको समझाने के लिए, रिकॉल करवाने के लिए कि आई का काम क्या होता है या सब्जेक्ट का काम क्या होता है, और फिर ये दोनों का कंपैरिजन लिखा। तो ये जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ गया। Myself, ठीक। I saw, बल्कि I हटा देते हैं, he कर देते हैं, he saw himself in the mirror. अब देखो he ने action perform किया क्या कि उसने देखा है, अब किसी और को तो नहीं देखा, खुद को देखा है हिमसेल्फ, क्योंकि उसने खुद पर एक्शन परफॉर्म किया है इसलिए हम कहेंगे जनाब आली कि ये जो प्रोनाउन है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक, और भी इस तरह के हो सकते हैं, दे punished themselves, खुद को पनिशमेंट दी है ना, तो reflexive। आहद, जो आपने सवाल पूछा है ये है, सर I myself did my homework, is this a reflexive pronoun? The answer is negative. No, it is not reflexive pronoun. Why? I will explain. आज की जो मैं आखिरी टाइप आपको प्रोनाउन की करवाऊंगा वो ये वाला सेंटेंस उसमें आएगा, तो मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, ये मैं उधर लिखकर आपको समझा देता हूं, ये मैंने कॉपी कर लिया, अब मैं यहां लिखता हूं नेक्स्ट टाइप। बेटा नेक्स्ट टाइप है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन मैं आपको समझाता हूं, एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होगी। बेटा मैं यहां लिख देता हूं, आप सुन देख लो, नोट कर लो अगर नोट कर रहे हो तो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर अ टाइप ऑफ प्रोनाउन इन विच एक्शंस reflects back to the subject,
इम्फेटिक, अब इम्फेटिक दिखने में बिल्कुल रिफ्लेक्सिव की तरह होते हैं, दिखने में ना ये रिफ्लेक्सिव की तरह होते हैं, लेकिन इनका काम डिफरेंट होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं ना, ये ऑब्जेक्ट का काम करते हैं सेंटेंस के अंदर ना, ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। नंबर वन, कभी भी ये नहीं हो सकता कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो और वो ऑब्जेक्ट ना हो, पक्की बात है वो ऑब्जेक्ट होगा। ये सेंटेंस में कंपल्सरी होते हैं, आप सेंटेंस में से इनको निकाल नहीं सकते, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो कंपल्सरी पार्ट होता है ना सेंटेंस का। ठीक है, इधर आते हैं। इम्फेटिक प्रोनाउन कैन नेवर बी ऑब्जेक्ट। अब देखो ना, ये उलट बात है ना, रिफ्लेक्सिव क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। एम्फेटिक कैन नेवर बी ऑब्जेक्ट, नंबर वन। नंबर टू, वो क्या थे, कंपल्सरी, ये क्या होते हैं, एडिशनल, कंपल्सरी नहीं होते। ये दो कैरेक्टरिस्टिक आपने याद रखनी है। ठीक, अच्छा अब एग्जांपल देता हूं। ये आहद ने एग्जाम्पल ये दी थी, अभी देखिए जो माई सेल्फ है, अब माई सेल्फ बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ये रिफ्लेक्सिव की तरह हो, लेकिन ऐसा है नहीं। रिफ्लेक्सिव और चीज है, ये और चीज है। अब देखो, एक तो इसकी प्लेसमेंट चेक करो आप, माई सेल्फ की प्लेसमेंट कहाँ हुई हुई है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट तो नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो वर्ब के बाद आता है, ये वर्ब है इसमें ना। सर, जी, सर जो रिफ्लेक्सिव है इसके अंदर तो ये तो उसमें आते हैं, ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं इसके अंदर, और उसके साथ जरूरी होते हैं, वरना तो ये दे पनिश्ड। अब इसके फुल सेंस में नहीं पता चल रहा किसको किए, तो आगे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा देते हैं देम सेल्फ। इधर अगर हम आई माई सेल्फ डिड माई होमवर्क, इससे से अगर माई सेल्फ हटा भी दें तब भी ये सेंस बताते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आई एम गोइंग टू टेल मैनी थिंग्स इंक्लूडिंग दिस वन, इंक्लूडिंग द थिंग यू आर शेयरिंग, सो दिस इज वर्थ शेयरिंग पॉइंट दैट यू शेयर्ड। अदरवाइज जो अंदर की बात है वो ये है कि यहाँ पर माई सेल्फ जो है ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो वर्ब के बाद आना चाहिए, तो इसमें तो ऑब्जेक्ट ये है, तो जब ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो जाहिर है ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, मैंने ये क्या लिखी हुई है, ये अगर आप देखें, एडिशनल, एडिशनल का मतलब यही होता है कि इसकी जरूरत इतनी ज्यादा नहीं है, आ जाए तो अच्छा है, ना भी हो तो कोई मसला नहीं है। जैसे हम इसको हटा दें तो आई डिड माई होमवर्क, सेंटेंस की सेंस बन रही है। लेकिन बेटा एक चीज याद रखें, जरूरी नहीं है कि हमेशा इम्फेटिक को हटाने से सेंस रहे और रिफ्लेक्सिव में इसको हटाने से सेंस खराब हो जाए, जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप ऊपर देखें, ही सॉ हिमसेल्फ, अब इसमें मैं इसको हटा दूं अभी भी सेंस है, ही सॉ इन द मिरर, देख रहे हो ना, ही सॉ इन द मिरर अभी भी सेंस है, तो इस लिहाज से तो इसको एम्फेटिक होना चाहिए, लेकिन ये तो रिफ्लेक्सिव है। तो कोर जो इसमें सर, कॉन्सेप्ट है वो समझना होगा हमें, वो ये है कि रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट होता है, जब यहां पर नजर आ रहा होगा आपको, ये ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद जो चीज आती है वो ऑब्जेक्ट होती है, और जो इम्फेटिक होता है वो ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो यहां पे नजर आ रहा है आपको। तो और भी एग्जांपल मैं आपको देता हूं इम्फेटिक की। ही हिमसेल्फ डेड
ओके ही हिमसेल्फ ड्राइव द कार. अब आप देखो इधर भी हिमसेल्फ जो है वो इम्फेटिक है, ठीक. इनफैक्ट ड्राइव की बजाय ड्रोव कर लेते हैं, क्योंकि अमेरिकन कर रहा है ना तो वो गलत कर रहा है. ड्रोव द कार सही है. सो लेट मी फिनिश दिस लेक्चर हियर. कल हम इसको यहीं से स्टार्ट करेंगे. आगे आपके जहन में कुछ जो क्वेश्चंस हो आप वो मुझे आते ही पूछ लिया करें और साथ साथ भी पूछा करें. आई विल डेफिनेटली एंसर. जो बच्चे एंड तक साथ रहेंगे उनको ये जो मैं नोट्स साथ साथ बना रहा हूँ ये नोट्स भी मैं सारे ग्रामर के दे दूंगा, ठीक है. अपना ख्याल रखें. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज.